हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी एंड होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते समय एक पॉइंट आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय कार्व आउट एंड कार्व इन। ठीक है, इन इन डेज फ्रॉम IFRS। सी, कार्व आउट एंड कार्व इन ना एस इन डेज का डिफरेंस नहीं होता, एस इन डेज के डिफरेंस तो अलग होते हैं। इन डेज का IFRS और IAS से जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कार्व आउट। सी क्या होता है कि IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS जो बने थे वो पर्टिकुलर एक अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से बने थे और एक ग्लोबलाइज स्टैंडर्ड थे। ठीक है, तो IFRS को ही कन्वर्ट करते हुए, मतलब कि एक तरीके से मोल्ड करते हुए हमने इंडेक्स बनाए हैं एंड एफर्ट्स दिए गए हैं। ये लिखा हुआ है इन्होंने कि एफर्ट्स दिए गए हैं कि हम इंडेक्स को IFRS जितना ही सिमिलर रखें, एकदम से ड्रास्टिकली चेंज नहीं करें, हम वही चीज़ को डिपार्चर करें, हम IFRS की वही चीज़ को डिपार्चर करें जो एसेंशियल है, अदरवाइज इंडेक्स हम पूरा का पूरा IFRS जैसे ही रखेंगे ताकि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो है ग्लोबल के हिसाब से मीट अप हो सके। तो हमारे जो इंडेक्स है IAS से ही हम सिमिलर रखेंगे एंड डिपार्चर तभी करेंगे जब नेसेसरी है। ठीक है, जब एब्सोल्युटली एसेंशियल है तो ठीक है, हम डिपार्चर तभी करेंगे IFRS से जब एब्सोल्युटली एसेंशियल हो कि पर्टिकुलर दो तीन पॉइंट हमको जम नहीं रहे हैं और दूसरे पॉइंट्स पुट करने हैं, तो इस तरीके से हम कुछ डिपार्चर करेंगे जब ज़रूरी हो। सेकेंड, हम इन डेज में जो चेंजेस कर रहे हैं IFRS से, जो इन डेज में कुछ चेंजेस कर रहे हैं वो इसलिए चेंजेस कर रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि हमारी कंट्री में डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है, इसलिए हमको चेंजेस करने पड़ते हैं IFRS से। हम एज इट इज़ IFRS को अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं कार्व आउट। और क्या होता है कि अगर हम IFRS में कुछ चेंज नहीं कर रहे पर IFRS के साथ हम कुछ एक एडिशनल गाइडेंस भी दे रहे हैं, इसको बोलते हैं कार्व इन। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमने ट्राई किया कि इंडेक्स को IFRS से मैच करें, डिपार्चर तभी करेंगे जब एसेंशियल हो। कुछ चेंजेस इंडेक्स में करने पड़ते हैं क्योंकि डिफरेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है और अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस डिफरेंट है। और रही बात, उसको हम बोलते हैं कार्व आउट, क्योंकि ये चेंजेस करने पड़ रहे हैं। और रही बात, अगर हमको IFRS में ही कुछ एडिशनल गाइडेंस देनी पड़ रही है, जैसे कि इंडेक्स 103 अगर आप देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो एक एडिशनल गाइडेंस देते हो कि अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। द एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल है, ठीक है, तो उनका अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होगा और विच इज़ ओवर एंड अबव व्हाट इज़ गिवन। तो IFRS से जो देख रखा ना उसके ऊपर हम कुछ बता रहे हैं, हटा कुछ भी नहीं रहे, उसके ऊपर ही हम कुछ बता रहे हैं, तो एक तरीके से कार्विन हो गया। तो आप होप्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी जो भी नेक्स्ट लॉ ऑडिट SFM के वीडियो रहेंगे उधर भी मिलते हैं। ठीक है।